अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने 60 ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, पीटीएस और दूसरे एग्ज़ाम्स में रिपीट हुए हैं। तो आज पार्ट टू में आज हम मज़ीद 60 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। और ये एमसीक्यूज़ डेटा इंटरप्रेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर और जूनियर क्लर्क के पेपर्स में आ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो है द फेमस सिलिकॉन वैली इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ यूएसए, यानी कि फेमस सिलिकॉन वैली के यूएसए की कौन सी रियासत में यानी कि वाक़ है। इसका रियासत का नाम है कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, CALIFORNIA, कैलिफोर्निया। क्वेश्चन नंबर टू है द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस वाज क्रिएटेड इन 1970 सेंचुरी एट, ये कहाँ पर ये वायरस बनाया गया था। ये बनाया गया था बेल लेबोरेटरीज़ में। क्वेश्चन नंबर थ्री है व्हाट इज़ द नेम ऑफ कंप्यूटर वायरस विच अफेक्ट कंप्यूटर प्रोग्राम्स रिटन इन जावा, वो कौन सा कंप्यूटर का वायरस है जो जावा में लिखे हुए यानी कि जो प्रोग्राम्स हैं उनको ख़राब करता है या फिर डिस्टर्ब करता है। उसका नाम है स्ट्रेंजब्रियो, ये एक वायरस का नेम है। मोस्टली वेब एड्रेस बिगेंस विद HTTP, व्हाट डू द लेटर स्टैंड फॉर, पूछ रहा है HTTP कि इसका एब्रीवेशन है, ये स्टैंड फॉर इसका बताना है हमने। इसका स्टैंड फॉर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोग्राम। तो चार क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर फाइव है माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च्ड विच ऑफ इट्स पॉपुलर प्रोडक्ट्स इन अ सबमरीन बिफोर अ टीम ऑफ रिपोर्टर्स, इसका आंसर है विंडो 95। क्वेश्चन नंबर सिक्स इन 1980 IBM चूज विच कंपनी टू प्रोवाइड द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर इट्स अपकमिंग PC, तो उस किस कंपनी को चूज़ किया था, उसका नेम है माइक्रोसॉफ्ट, जो कि मशहूर कंपनी है सॉफ्टवेयर के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर सेवन है विच कंपनी लॉन्च द जियोस्टेशनरी कम्युनिकेशन सेटेलाइट टेलसेट्रा, कौन सी जो कंपनी थी जिसने ये सैटेलाइट लॉन्च किया था जिसका नाम था टेलस्ट्रा। ये दो कंपनी है एट एंड टी, ठीक है। नंबर नाइन है अ टेराबाइट रिप्रेजेंट्स अबाउट, ये रिप्रेजेंट करता है 1 ट्रिलियन बाइट्स को। क्वेश्चन नंबर टेन अ डिजिटाइजर यूज अ माउस लाइक कॉपिंग डिवाइस कार्ड पक, इसका आंसर है पक। क्वेश्चन नंबर 11 अ बिट कैन बी, इसके दो आंसर हैं, मैं दोनों लिखे हुए हैं ताकि एग्ज़ाम में दोनों क्वेश्चन दो तरह से आ सकते हैं, आपने कौन सा आंसर बताना है मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर इसका ऑप्शन नंबर ए है 1 एंड 0 और ऑप्शन नंबर टू है 1 और 0। इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है 1 और 0। आपने जो 1 एंड 0 है वो नहीं टिक करना क्योंकि वो गलत है, 1 और 0 ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 वन बाइट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स, एक यानी कि एक बाइट है कितने बिट्स पर कंसिस्ट होता है, ये 8 बिट्स पर कंसिस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 लेज़र बीम टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि लेज़र बीम किस में इस्तेमाल होती है, वो ऑप्टिकल डिस्क में हम यूज़ करते हैं। फॉर प्रिंटिंग ऑफ लार्ज सॉरी द फॉर प्रिंटिंग ऑफ लार्ज ड्राइंग्स एंड इमेजेस वी यूज़, यानी कि इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम प्लॉटर को यूज़ करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15, नेटवर्क टोपोलॉजीज आर कैटेगराइज इन द फॉलोइंग बेसिक टाइप्स, ये इसकी टाइप्स हैं, आपने ये बता देना है, यानी कि ये तो लिखी होंगी ऑप्शंस में, ये मैंने सारी लिख दी हैं, बस, रिंग स्टार, ट्री एंड मैश, ये इसकी पांच टोपोलॉजी की टाइप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अ नेटवर्क दैट कवर्स स्मॉल जियोग्राफिक एरिया और सिंगल और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स इज कॉल्ड वैन, इसमें से बहुत से दोस्त गलती करते हैं, इसे लैन लिख देते हैं, लेकिन ये बता रहा है ना जियोमेट्री जियोग्राफिक एरिया और सिंगल सिंगल तो हो फिर तो लैन, और ग्राफिक ऑफ बिल्डिंग्स, जब बिल्डिंग्स काफ़ी आ जाएंगे तो वो वाइड एरिया में चला जाएगा, ये इसका आंसर होगा वैन, ना कि मैन और लैन, इसका ये आंसर नहीं है, इसका सिर्फ वैन, इसका वाइड एरिया नेटवर्क है जो वो इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अ डिवाइस विच कंसिस्ट मल्टीपल नोड्स टू द इज, यानी कि जो डिवाइस होती है जिसके साथ काफ़ी सारे, जैसे लीड होती है एक, उसके साथ काफ़ी यानी कि स्विच जो होते हैं प्लग हम लगा सकते हैं, इसी तरह से एक डिवाइस होती है जिससे बहुत सारी डिवाइसेस को हम कनेक्ट करते हैं, उसे कहते हैं अ हब। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज ISDN स्टैंड फॉर, ये इसके एब्रीवेशन बताना है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क इसका स्टैंड फॉर है। 19 क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट नेटवर्क नेटवर्क टोपोलॉजी, हमने बताना है कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, यह है सर्कल, सर्कल एक टोपोलॉजी का नाम नहीं है। आगे जी क्वेश्चन नंबर 20, SNA ए स्टैंड फॉर, SNA का स्टैंड फॉर बताना है हमने, सिस्टम नेटवर्क एप्लीकेशन, ओके। 21 नंबर पर है, SNA इज एग्जांपल ऑफ, SNA किसकी एग्जांपल है, ये डी फैक्टो की, फैक्टो प्रोटोकॉल की एक एग्जांपल है SNA। क्वेश्चन नंबर 22, द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल यूज्ड इन वैन, यानी कि वैन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है, वो है X.25, X.25 जो ज़्यादातर वैन में यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 23, अ सर्च इंजन इज़, यानी कि सर्च इंजन की एक तारीफ होगी, उसे हमने जो सही होगी वो लिखनी है, उस पर टिक करना है, तो सही मैंने लिख दी इधर, अ वेबसाइट दैट लुक थ्रू डेटाबेस, ऐसी वेबसाइट जो डेटाबेस की तरह नज़र आए, फॉर मैचिंग क्राइटेरिया, और क्राइटेरिया को मैच करे, इसका करेक्ट आंसर था। माइक्रोवेव एंड कम्युनिकेशन सेटेलाइट आर एग्जाम्पल ऑफ अनगाइडेड, इसका आंसर है अनगाइडेड। 25, द वॉइस चैनल हैज़ अ बैंडविथ ऑफ, यानी कि वॉइस चैनल की बैंडविथ क्या है, वो 0 से लेकर 4K Hz तक है, HZ तक। क्वेश्चन नंबर 26, बार कोड सिंबल्स आर यूज्ड आर रीड बाय बार कोड रीडर बाय यूजिंग फोटो इलेक्ट्रिक स्कैनर, इसका करेक्ट आंसर है। 27 पर है, एन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज आल्सो नाउन इज, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का दूसरा नाम क्या है, उसका नाम है काइबर बैंकिंग। OA स्टैंड फॉर, यानी OA का हमने स्टैंड फॉर बताना है, ऑफिस ऑटोमेशन। 29 नंबर पर है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम DMS इंक्लूड वर्ड प्रोसेसिंग एंड रेप्रोग्राफिक, इसका आंसर था वर्ड प्रोसेसिंग एंड रेप्रोग्राफिंग। क्वेश्चन नंबर 30, MICR स्टैंड फॉर, यानी कि MICR का हमने स्टैंड फॉर बताना है, इसका स्टैंड फॉर है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। 31 क्वेश्चन है, वन निबल कंटेन्स 4 बिट्स। 32 है, द एड्रेस बस इज अनडायरेक्शनल, द एड्रेस बस इज अनडायरेक्शनल।
33 है फेमस वायरस इज़, वायरसेस के भी नेम होते हैं, वायरस जो सबसे फेमस है मशहूर वायरस है उसका नाम है फ्राइडे 13, फ्राइडे 13 यानी कि जुमा 13। 34 डॉक्टर सोलोमोन एंड एम सी एफ ई आर पॉपुलर यानी कि डॉक्टर सोलमैन एंड एम सी एफ ई आर पॉपुलर यानी कि किस लिए मशहूर हैं, ये एक एंटी वायरस के दो नेम हैं, ठीक है, ये इसलिए ज़्यादा मशहूर हैं। क्वेश्चन नंबर 35 द सॉफ्टवेयर एंड दैट आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, जो सॉफ्टवेयर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं बग़ैर पैसों के मिलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें फ्री वेयर सॉफ्टवेयर कहा जाता है और यहाँ पर इसका आंसर है फ्री वेयर। 36 पर है फास्ट स्टैंड फॉर, FAST फास्ट स्टैंड फॉर, इसका हमने स्टैंड फॉर बताना है फेडरेशन अगेंस्ट सॉफ्टवेयर थेफ्ट, इसका जनाब स्टैंड फॉर है। 37 पर क्वेश्चन है द शॉर्टकट की फॉर रिमेनिंग रीनेमिंग फाइल एंड फोल्डर यानी कि फाइल एंड फोल्डर को हम रीनेम करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं, वो है F2, सभी को मालूम भी होगा। 33 पर हम डिस्कस करते हैं द शॉर्टकट की टू डिलीट ए फाइल विदाउट सेंडिंग टू रिसाइकल बिन इज़, तो जब हम किसी चीज़ को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चली जाती है लेकिन हम अगर चाहें तो वो उधर नहीं जा सकती, अगर हम शिफ्ट प्लस डेल को दबाएं तो वो डायरेक्टली हमारे कंप्यूटर से गायब हो जाएगी यानी कि वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी, तो इसके लिए जो शॉर्टकट इस्तेमाल होती है वो है शिफ्ट प्लस डेल। क्वेश्चन नंबर 39 विच इज़ नॉट हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 द फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज़ यानी कि कंप्यूटर की सबसे जो तेज़ तरीन मेमोरी है वो कौन सी है, वो है कैशी मेमोरी। 41 नंबर पर है द प्रोग्राम यूज टू ब्राउज डिस्क फोल्डर्स एंड फाइल इज कॉल्ड एक्सप्लोरर, द लार्ज कंप्यूटर सॉरी द लेटेस्ट कंप्यूटर इज़ कॉल्ड यानी कि जो लेटेस्ट कंप्यूटर हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम पेंटियम कहते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 43 द कम्बिनेशन ऑफ 16 बिट्स आर कॉल्ड, बिल्कुल आर कॉल्ड ये लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, 16 बिट्स आर कॉल्ड इन्हें कहते हैं वर्ड कहते हैं। 44 नंबर पर है द यूनिट दैट कंट्रोल्स ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड CU, द यूनिट जो कंप्यूटर के सब पार्ट्स को हैंडल करता है उसे हम CU कहते हैं यानी कि इसे कंट्रोल यूनिट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 किलोबाइट, ये 1 किलोबाइट के इक्वल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 व्हाट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशंस इंट्रोडक्टरी वेब पेज कॉल्ड, इसे हम वोर्टल कहते हैं। 47 नंबर पर क्वेश्चन है गूगल इज़, गूगल क्या है, एन इंटरनेट सर्च इंजन, सिंपल सा क्वेश्चन है। 48 है विच कंट्रीज़ पीपल यूज़ मोर इंटरनेट, आप बताएं कि कौन से हो सकते हैं, पहले आप गैस करें और फिर आप देखें यानी कि हो सकते हैं चाइना में सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़ किया जाता है, ठीक है। लार्जेस्ट सर्च व इंजन ऑफ द इंटरनेट इज़, सबसे बड़ा सर्च इंजन कौन सा है, ऑप्शन में से है याहू और बहुत से बताए गए होंगे, इनमें सबसे बड़ा जो इंजन है वो है गूगल। सेकंड लार्जेस्ट
सर्च इंजन ऑफ इंटरनेट, यानी कि इससे छोटा इंजन कौन सा है इंटरनेट के लिए, वो है याहू। याहू भी बहुत मशहूर सर्च इंजन है, गूगल से दूसरे नंबर पर इसका नंबर, ये याहू का नंबर है गूगल गूगल के बाद। 51 है इंटरनेट मोस्टली यूज्ड फॉर, इंटरनेट ज़्यादातर किस लिए यूज़ किया जाता है, ये ईमेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है मैसेजेस के ज़रिए। क्वेश्चन नंबर 52, विच कंट्री हैज़ मोर कंप्यूटर्स कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, यानी कि कौन से मुल्क में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं, तो वो मुल्क है अमेरिका, अमेरिका में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं। नेम ऑफ द ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट हु वाज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ कंप्यूटर, एक मुस्लिम साइंसदान का हमने नाम बताना है, उनका उस नेम है अल ख्वारज़मी। 54 नंबर पर है नेम ऑफ द ओनर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर कंपनी, ये मैंने पार्ट वन में भी डिस्कस किया था, ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है इसलिए मैंने इस पर VIP भी लिख दिया है। तो उनका नेम है बिल गेट्स। बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ओनर हैं, तो इसका दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि बिल गेट्स किस लिए ज़्यादा मशहूर हैं, वो इसलिए ज़्यादा मशहूर हैं कि वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ओनर हैं। पार्ट वन में हमने ये क्वेश्चन को डिस्कस किया था, आप पार्ट वन भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, विच इज़ बिगेस्ट कंपनी ऑफ द कंप्यूटर इज़ द इन द वर्ल्ड, विच इज़ बिगेस्ट कंपनी ऑफ द कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड, वो है जनाब IBM। IBM सबसे बड़ी कंप्यूटर्स की कंपनी है, और सॉफ्टवेयर के लिहाज से माइक्रोसॉफ्ट सबसे बड़ी, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है वो सबसे बड़ी है प्रोग्रामिंग के हिसाब से, लिहाज से सॉफ्टवेयर के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 56, विच इज़ बिगेस्ट कंपनी ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड, वही क्वेश्चन दोबारा आ गया है जो मैंने आपसे अभी बोला है, वो है माइक्रोसॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 57, अलगल बेसिक कोबोल 4GL 3GL पास्कल सी सी प्लस प्लस एंड VB, आप समझ तो गए ही होंगे ये क्या हैं, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं, ठीक है, ये दी हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कंप्यूटर लैंग्वेज हैं। रैम स्टैंड फॉर, रैम का हमने स्टैंड फॉर बताना है, इसका स्टैंड फॉर है रैंडम एक्सेस मेमोरी। 59 पर है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है CPU स्टैंड फॉर, CPU का हमने स्टैंड फॉर बताना है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, इस ये क्वेश्चन है एलन मैथिसन टरिंग एंड जोहन वॉन न्यूमैन आर रिलेटेड, ये जो नाम लिए गए हैं ये साइंटिस्ट हैं कंप्यूटर के, यानी कि जो रिलेटेड किसके हैं ये पूछ रहा है, ये तो कंप्यूटर के रिलेटेड हैं, यानी कि जो कंप्यूटर के लिए ये काम करते रहे हैं, जिन दोनों के जो नाम हैं वो पूछ रहा है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगर आपने अभी तक पार्ट वन की वीडियो नहीं देखी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ड्रॉप कर दिया है, आप इस लिंक से पार्ट वन के 60 MCQs भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।